इसके साथ में आपका माध्यम से, आपका मीडिया का माध्यम से मैं ये बता दूं कि अभी तक तो फिलहाल हम लोग को सरकार से कुछ रिपोर्ट नहीं आया। वैसे हमने प्रेस क्लब में कहा था कि 2 महीना पहले हमने डायरेक्टर साहब से डिस्कस हुआ तासर तालर जी से, तो उनका कहना ये था कि कोल माइनिंग जो बहुत साल से एक्टिविस्ट नहीं कर रहा है, मगर रिसेंटली मैंने ग्रैंड रैली को देखा, वहाँ सारा काफी एक्टिविटीज चल रहा था। तो जिस तरह से चल रहा है ये, तो जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मुताबिक से ये सरासर इलीगल चल रहा है। तो मैंने स्पोर्ट में भी जाकर देखा, खुद ही जाकर देखा, हमारा सारा एविडेंस है। तो हमने रिसेंटली इस महीना के पहले हमने चीफ सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशन लिखा, और हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर रिप्लाई अभी तक कुछ आया नहीं है। तो अभी जैसा हमने एसआईसी में हमने दिया है, कुछ ऑफिसर लोग हैं, जैसा आमदो हो गया, ओसी हो गया, और सर और 3-4 सा ये जो माइनिंग का एक कमिटी है, तो उन लोगों को एक तुरंत कैंसिल करवाने के लिए, यानी कि टर्मिनेट करने का वहां में। हाँ, तो इन लोग जो क्या होता है कि वहां से एक रिपोर्ट जो है, गलत रिपोर्ट जो दिया जाता है, तो यहाँ एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज नहीं होता है बोलकर, मगर सरासर ये तो गलत है, हमने जाके देखा। इसलिए यहाँ मैंने एसडीओ को, एसडीओ करसंग, आमदो करसंग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ना, इसके बाद में आरएफओ नामसाई, इसके बाद ओसी पीएस करसंग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, उन लोगों को रिमूव करने के लिए मैंने एसआईसी में दिया और रिप्रेजेंटेशन भी दिया चीफ सेक्रेटरी को, मगर आज तक रिप्लाई नहीं आने का कारण हम लोग ने प्रेस क्लब में गया था और प्रेस मीडिया में भी निकला, और काफी सारा लोग जानते हैं कि हमारा जो रीजनल पार्टी है वो हमारा स्टेट का जरूर इंटरेस्ट में रहेगा, और जनता का आवाज को, ग्रीवेंस को लेके हम आगे भी चलेंगे। नदी हमारा है, पहाड़ हमारा है, और ये कल्चर, एनी कल्चर हमारा प्रदेश में जो भी कल्चर होता है, जैसा अभी हाइड्रो पावर का बारे में मैंने बात किया नहीं, लेकिन आने वाला कल उन्हें भी मैं चर्चा करेंगे, जैसा पब्लिक जो हमको ग्रीवेंस रखेंगे मैं उसी तरह आगे लेके चलेंगे। तो ये हमारा एक आइडियोलॉजी रहेगा, इसमें कंपनी दिया जरूर है, मगर कुछ दिन के बाद में, इस महीने के बाद चालू होगा, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सा बात है। तो हम लोग का इशू उतारने का रीजन ये है कि इलीगल माइनिंग जो नहीं चलना है, सबसे पहले हमारा यहाँ में रिवेन्यू जो कहा जाता है, ये हमारा सवाल है नंबर वन। तो अगर सही तरीके से अगर रिवेन्यू जो आता है, तो हमारा युवाओं के लिए भी, हमारा सारा स्टेट के लिए भी अच्छा रहे आने वाला का। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि अभी जो ये सीजन है, नवंबर आ रहा है, कल किसका ग्रीवेंस से लेके, किसका नेतृत्व से लेके, वहाँ अभी सारा मशीनरी जो जमा हुआ है, कुछ दिन के बाद, नेक्स्ट महीने के बाद माने चालू हो जाएगा, तो ऐसा सिचुएशन है। इसीलिए हम लोग ने प्रेस क्लब में गया और प्रिंट मीडिया में निकला कि इलीगल माइनिंग नहीं चलना है, सही तरीके से अगर चलाता भी है, और हम लोग का दिमाग ये है कि और कमिटी आगे और बनाए, सही तरीके से इंक्वायरी करे, कमिटी फिर से गठन करे, ये हम लोग का एक डिमांड है। ऑर्गेनाइजेशन जो करता है वो अपना आइडियोलॉजी का हिसाब करता है, लेकिन हमारा जो है रीजनल पार्टी जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी है,
हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमको तो आगे भी पब्लिक का ग्रीवेंस को लेके हमको बात करना पड़ेगा, और हमारा जो भी मुद्दा है तो मैं सारा जनता के सामने में पब्लिक डोमेन में लाऊंगा, आगे भी चलते रहूंगा। और ये पार्टी जो एक बहुत सा एक बड़ा संगठन होता है, तो इसको चलाने के लिए हमको मेरा पास में क्षमता होना पड़ेगा, और वो क्षमता का साथ मैं ताकत के साथ हिम्मत के साथ चलाऊंगा।